सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपके साथ शंथा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। आज अघाड़ी भाजपा आमने सामने, महिलाओं से अपराध पर शीघ्र न्याय आवश्यक, प्रधानमंत्री किसी की आलोचना पर नहीं अपने काम पर ध्यान देता हूं, अजित पवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज अघाड़ी भाजपा आमने सामने, सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने के विरोध में महाविकास अघाड़ी रविवार को यहां गेटवे ऑफ इंडिया पर जूते मारो विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके जवाब में भाजपा युवा मोर्चा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। महाविकास अघाड़ी के घटक दल सुबह हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकालेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। 2 सितंबर से यह आंदोलन राज्य के हर एक जिले और तहसील में होगा। कल के विरोध प्रदर्शन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले आदि शामिल होंगे। अघाड़ी का कहना है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना के लिए पूरी तरह से केंद्र और राज्य की महायुति सरकार जिम्मेदार है। छत्रपति के महाराष्ट्र में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। महिलाओं से अपराध पर शीघ्र न्याय आवश्यक, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने शनिवार को कहा कि इससे महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और उच्चतम न्यायालय एवं न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पीएम मोदी और प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के प्रति कभी कोई अविश्वास नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किए जाने को एक काला दौर बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में अहम भूमिका। आगे बढ़ते अगली खबर की। किसी की आलोचना पर नहीं अपने काम पर ध्यान देता हूं, अजित पवार। उप मुख्यमंत्री और अकांपा के अध्यक्ष अजित पवार ने अपनी पार्टी के खिलाफ शिवसेना के मंत्री तानाजी सावंत की टिप्पणियों से उपजे विवाद को शनिवार थामने को की कोशिश करते हुए कहा कि वह लोगों के लिए काम करते और किसी की आलोचना पर ध्यान नहीं देते। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सावंत ने हाल में धारा छवि में बातचीत में कहा था कि कैबिनेट की बैठक में वह रकम पर नेताओं की बगल में बैठते, लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूं पंकज बिश्नोई और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।